नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल अखंड ज्योति क्लासेस में फिर स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 9 का जो संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1C है उसमें आगे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हल करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिया है, तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर नोट कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है पी बाई क्यू, जहाँ क्वेश्चन लिखा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिनका सान दशमलव निरूपण हो सके, मतलब हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको P by Q के रूप में ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं। पहला चीज, जो शांत हो, क्या हो, शांत हो और परिमेय संख्या भी हो, तथा P और Q को एक के अलावा कोई अन्य संख्या 9 काट पाए, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इस तरह के क्वेश्चन हमने हल किया है कि शांत दशमलव होने के लिए जो हर होता है उसका एक कंडीशन ये होता है कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 या 5 ही होना चाहिए, अर्थात जो हर वाली संख्या है वो 2 या 5 या फिर दोनों से कटनी चाहिए, इन दोनों के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। बस ये कंडीशन मान के आपको एग्जाम्पल देना और बताना है कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जो गुण हमको पता है वही गुण क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर सोल्यूशन किया है। माना P और P बाई क्यू के रूप में 1/8, 7/25, 11/16 इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। हमने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया है और इस तरह से एग्जाम्पल लिया है कि जो हर है उसके गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 या फिर 5 या फिर दोनों हो, इसके अलावा कोई और न हो, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि इन दोनों जो अंश और हर को एक के अलावा कोई अन्य संख्या 9 काट पाए, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल लिया 1/8, 7/25, 11/16। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 2 बनेंगे, और जो 25 का बनेगा 5 × 5 बनेगा, और जो 16 का बनेगा वो 2 × 2 × 2 × 2 बनेगा। इस तरह से इनके जो अभाज्य गुणनखंड है हर के वो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। जो 7 दशमलव है ये हमने क्या किया, मान लिया है। इसके आगे क्या बताना है आपको, ये बताना है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण होना चाहिए। तब लिखेंगे, अतः नीचे आप लिख दीजिएगा, अतः P बाई क्यू एक शांत दशमलव के लिए, किसके लिए, शांत दशमलव के लिए Q, क्या चीज, Q के अभाज्य गुणनखंड दो या पांच अथवा दोनों होने चाहिए, क्या चाहिए, होने चाहिए। बस ये हो गया, छोटा सा सवाल था, इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये हमको बनाना था, कोई भी ऐसी परिमेय संख्या मानना था जो शांत हो, हमने मान लिया, उसके नीचे लिखेंगे तो पी वाई क्यू शांत दशमलव के लिए क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 अथवा दोनों होने चाहिए। बस इस तरह से इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो चलिए, 10वां क्वेश्चन आप लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, अर्थात अशांत अनावर्ती बताना है। क्या बताना, अशांत अनावर्ती। आपको पता है कि अशांत अनावर्ती का मतलब यह है कि हमको अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताना है। तो आपको पता है कि जो कड़ी में ऐसी संख्या होती है जिसका मान हम पूर्णांक नहीं प्राप्त कर पाते, अर्थात कड़ी में 2, 3, 5, 6 ये सारी संख्याएं आप एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि उनका मान जो होता है अशांत
अनावर्ती होता है, ठीक है। इसके अलावा भी हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं, इसको लगाते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनवसानी अनावर्ती संख्या, ठीक है। तो सीधे आप लिखिएगा, ठीक है, अनावसानी अनावर्ती संख्या बराबर, हमें तीन लिखना तो हम तीन ही लिखेंगे, तो हम लिख देंगे कर्णी में दो कामा कर्णी में पांच, ठीक है, कामा कर्णी कर्णी में छह। तो ये सारी संख्या लिख सकते हैं, अथवा या फिर या हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सीधे दशमलव के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए कोई भी है 1.40400 4000 4000 4 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से आप डाटा बढ़ा सकते हैं। तो इस पर आप देख पा रहे होंगे चार के बाद पहले एक जीरो आया, फिर दो जीरो आया, फिर तीन जीरो आया, फिर चार जीरो आया, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, और बहुत से एग्जाम्पल हम लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.912 9112 9111 2 दो हो गया, और भी एक संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी संख्या, बस आपको किस तरह से पैटर्न बनाना है देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए तीन बार तीन के बाद एक दो आ गया, अब मान लीजिए चार बार तीन के बाद एक दो आ गया, अब मान लीजिए पांच बार तीन के बाद जो है, ठीक है, एक दो आ गया, इस तरह से डाट डाट डाट। तो ये सारे जो है अपरिमेय संख्या हैं, और अपरिमेय संख्या का अगर आपको एग्जांपल बताना हो तो इस तरह से अगर आप बताते हैं, इसे पूरा कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। आपको इस तरह से बताना है कि वो अशांत रहे और उसमें कोई पैटर्न न मिले। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था चार के आगे एक जीरो था, फिर दो जीरो आ गया, तीन जीरो, चार जीरो, इसे बढ़ता गया, कोई पैटर्न ही नहीं मिला, अनंत तक गया, अशांत था, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह से नोट करिए, ये आपका या ए और ये दोनों कोई भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि 5/7 का एक्चुअल वैल्यू दशमलव में हम मान उसका ज्ञात कर लें, और 9/11 का भी एक्चुअल वैल्यू अर्थात दशमलव उसका मान ज्ञात कर लें। उसके बाद उन दोनों दशमलव के बीच में जो अपरिमेय संख्या हो सकती हैं उसको हम लिख देंगे। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या किस तरह से लिख सकते हैं एकदम कन्फर्म रूप में, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि 5/7 का दशमलव रूपांतरण करेंगे, ठीक है। तो करिएगा, लिखिएगा 5/7 का दशमलव रूपांतरण, क्या चीज, दशमलव रूपांतरण, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भाग करिएगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, 7 से हमको भाग करना है, और किसमें करना है, 5 में करना है। 5 में तो देखिएगा, अच्छा आप बताइए कि ये अशांत होता है तो कितने अंकों अधिकतम जो है, कितने अंकों तक इसका आवर्त होगा। तो आप देख पा रहे हैं 7 है, तो अधिकतम 6 अंकों के बाद इसका आवर्त आएगा, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल इसको हल करते हैं, 7 से भाग करना है 5 में, 5 छोटा है तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ेगा 0, और 7 का टेबल जो है 7 बार रीड करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 49, और जब माइनस करिएगा तो 1 बचेगा,
ठीक है, दशमलव लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा जीरो और फिर एक बार आपका भाग जाएगा, ये हो जाएगा सात, ये बचेगा तीन, यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ हो जाएगा तीस, दशमलव पहले से लगा है तो जीरो हमने बढ़ा दिया और सात चौका हो जाएगा अट्ठाईस, कितना हो जाएगा अट्ठाईस हो जाएगा, और जब माइनस करिएगा तो यहाँ बचेगा दो, दशमलव पहले से है तो यहाँ हम जीरो लगा देंगे। अब सात का पहाड़ा पढ़िएगा, दो बार जाएगा, सात दूना चौदह, सात दूना चौदह हो जाएगा, माइनस करिएगा तो छः बचेगा, जीरो बढ़ जाएगा, सीट है ठीक है। तो सात का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि साठ आ जाए, तो सात ही जो सात का पहाड़ा पढ़िएगा कि साठ आ जाए तो सात वठे छप्पन, मैं कर रहा हूँ अब ध्यान से देखिए, सात वठे छप्पन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा छप्पन, तो जब घटाइएगा तो चार बचेगा, ये बढ़ गया आपका जीरो, कितना बढ़ गया जीरो, तो सात का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि कितना आ जाए चालीस आ जाए, तो सात पचे पैंतीस होगा, कितना होगा सात पचे पैंतीस होगा, और जब घटाइएगा तो पाँच मिलेगा, कितना मिलेगा पाँच। अब यही पैटर्न देखिए जो शुरू मैंने भाग करना प्रारंभ किया था, पाँच फिर मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया ना, इसका मतलब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, अधिकतम छः अंकों के पास इसका आवर्त हो रहा है, क्योंकि भाग कर रहे थे किसी अंक सात से, ठीक है। तो बस यही छोड़ दीजिएगा और वहाँ पर डॉट बढ़ा दीजिएगा और उसके आगे हमने भाग यहाँ किनारे किया, आप यहाँ नीचे करिएगा तो लिखिएगा पाँच बटे सात बराबर हम लिख सकते हैं जीरो दशमलव सात एक चार दो आठ पाँच पे क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, क्योंकि इसी का जो है अब बार बार आवर्त हो गया, पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा, नौ बटे ग्यारह का दशमलव रूपांतरण करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर आगे करिएगा नौ बटे ग्यारह का दशमलव रूपांतरण, क्या करिएगा दशमलव रूपांतरण, ठीक है। दशमलव रूपांतर ठीक है, तो चलिए इसका भी हम भाग करते हैं, ठीक है, इसका भी क्या करते हैं भाग करते हैं। अच्छा ऐसा है, आप इसका भाग कर लीजिएगा, क्या करिएगा कर लीजिएगा, फिलहाल चलिए इसको कर लेते हैं, यही हम बगल में कर दे रहे हैं, आपको फेयर में करना पड़ेगा, भी ध्यान देना आपको फेयर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं बगल में कर रहा हूँ। नौ में भाग करना ग्यारह से, नौ में किससे भाग करना ग्यारह से, जब भाग करिएगा ग्यारह से तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ नब्बे बढ़ेगा, और जो भाग जाएगा आठ बार जाएगा, ग्यारह बटे अट्ठासी होता, कितना होता अट्ठासी होता है, अब बचेगा जब माइनस करिएगा दो बचेगा, और यहाँ पे दशमलव लगाते हैं जीरो बढ़ जाएगा और टेबल एक बार हो जाएगा, ग्यारह कम ग्यारह, अब कितना बचेगा नौ बचेगा। अब फिर देखिए नौ आ गया, नौ क्या हो गया आ गया, इसका मतलब दशमलव आठ एक का जो है आगे आवर्त होगा, क्या होगा आवर्त होगा, बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कितना आएगा आपका जीरो दशमलव आठ एक पर क्या आएगा बार आएगा, ठीक है। तो दोनों हमने दशमलव रूपांतर ज्ञात कर लिया, पहला पॉइंट पता है दूसरा पॉइंट पता है, बस अब इन्हीं दोनों के बीच में तीन अपरिमेय संख्या लिखना है जो विधि हमने आपको बताया है। तो देखिए सात एक से आगे चले जाइए, आठ एक से पीछे रहिए और उसी के बीच में लिख दीजिए, तो यहाँ नीचे आप लिखिएगा कि पाँच बटे सात, पाँच बटे सात और नौ बटे ग्यारह के बीच तीन अपरिमेय संख्या, बराबर। अच्छा देखिए हमने पॉइंट पता कर लिया, दशमलव सात एक से आगे लिखना है, आठ एक से पीछे लिखना है, तो चलिए मैं तुरंत लिख रहा हूँ दशमलव सात दो जीरो, सात दो डबल जीरो, सात दो ट्रिपल जीरो, डाट 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 पहली संख्या हो गई। देखिए बस कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिए सात दो सात एक से आगे है, एक बार जीरो आया, दो बार जीरो, तीन बार जीरो, डाट डाट, देखिए आवर्त किसी का नहीं हो रहा है, पहली अपरिमेय संख्या होगी, कामा लगा लीजिएगा, ये आपका अलग है, इसको आप सही से करिएगा इस मिक्सअप हो जाएगी, इसलिए उसको मैं किनारे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, कॉमा लगा लीजिएगा, चलिए कोई और लिखते हैं, मान लीजिए जीरो दशमलव सात पाँच एक जीरो, सात पाँच डबल जीरो, सात पाँच ट्रिपल जीरो, डाट 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 हो गया। तो इसे आप देख पा रहे होंगे कि हम इस तरह से करने से ये आशय होता है कि एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि ये आसान अनावर्ती है और ये अपरिमेय ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि तीन लिखना था, एक दो एक और लिखेंगे, दशमलव आठ जीरो, ठीक है, फिर आठ डबल जीरो, आठ ट्रिपल जीरो,
डॉट 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 हो गया। तो इस तरह से सारे हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए हैं। ठीक है, लास्ट में आप अतः करके आपका काम है लिखना अच्छी तरह से। क्वेश्चन हम लिखते हैं अतः करके, आप अच्छी तरह से नीचे इसमें क्या लिखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लिखते हैं बार बार ये होता, सही नियम होता, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर 0.720, ये करके तीनों इसमें नोट कर दीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका सवाल जो होगा अच्छी तरह से हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसको नोट करिए और इसको भी आपको फेयर में करना है सही रूप से, जैसे इसे हम लोग बताया। ठीक है, इसको नोट करिए, अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने नोट किया लिखा है, बताइए कि निम्न में से कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है कड़ी में 23, दूसरा है कड़ी में 225। इस तरह से ये यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्यूशन हमने डाल लिया है। पहला लिखिएगा कड़ी में 23, कड़ी में 23 क्या है, कड़ी में 23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान पूर्णांक नहीं मिलेगा। लिख दीजिएगा कड़ी में 23 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर रहे हैं, कड़ी में 225 है, कड़ी में कितना है 225 है। आपको पता है कि 225 जो होता है 15 का वर्ग होता है, या फिर 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है। जब इसको हल करिएगा तो आपको मिलेगा 3 × 3 × 5 × 5 मिलेगा, इसका मान आएगा 15। कितना आएगा 15। अब 15 एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे हल करने के बाद लिख दीजिएगा अतः कड़ी में 225 एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीसरे को नोट करते हैं, 0.3796। अच्छा देखिए, ये तो 7 दशमलव है ना, तो 7 दशमलव है तो ये परिमेय हो गया। तो लिख दीजिएगा यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, चौथा लिखा है उसको नोट कर रहे हैं, 7.478 तो आप देख रहे हैं कि 4 7 8 4 7 8 का आवर्त हो रहा है। क्या हो रहा है, आवर्त हो रहा है। हमने आपको बताया है कि अशांत आवर्ती जो होती है संख्या वो परिमेय होती है, तो ये भी हो गई परिमेय संख्या। लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। चलिए पांचवें पे चलते हैं, पांचवा देखिए यहां पे लिखा है, इसको हम नोट कर ले रहे हैं, 1.01001001000 अच्छा देखिए, आप देख पा रहे हैं किसी भी संख्या का इसमें आवर्त नहीं हो रहा है, एक के बाद 1 0 आया, फिर 2 0 3 0 4 0, इस तरह से दिख रहा है अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लिख दीजिएगा यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये सारा क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया, इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना है। आपको पहला पॉइंट पता है 1 और लास्ट पॉइंट पता है 2, 1 और 2 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो हमने आपको बताया अपरिमेय संख्या किस तरह से लिखते हैं, अब कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए 1 और 2 के बीच हम बताते हैं, आप लिख सकते हैं 1.01001001, कुछ भी लिख सकते हो। तो चलिए लिखिएगा कैसे, हम बता रहे हैं, लिखेंगे आप 1 और 2 के बीच।
एक और दो के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर, आप लिख दीजिएगा 1.01001001 डॉट। काम खत्म। देखिए अशांत है, अनावर्ती है, और क्योंकि यहाँ पे एक बार जीरो आया, फिर दो बार जीरो, तीन बार जीरो, कोई आवर्त नहीं मिल रहा है, कोई भी आवर्त नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या है और एक और दो के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये छोटा सा सवाल है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे, इसको नोट करिए, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 1/3 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखिए। तो चलिए, इसके बहुत से नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको एक साधारण और कैजुअल नियम बताऊंगा, जिसको आप हल करके अच्छी तरह से पूरा मार्क गेन करेंगे, ठीक है। तो कुछ मत करिएगा, देखिए मैं बता दूं, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, दो संख्याओं के बीच की जब संख्या निकालते थे, दोनों संख्याओं को जोड़ के और दो से डिवाइड कर देते थे, क्या करते थे आप, दो से भाग कर देते थे, वही कामयाबी करेंगे। तो चलिए किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले ये करिएगा, लिखिए 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, बराबर। तो हम सबसे पहला काम इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो कुछ मत करिएगा, 1/2 से 2 से गुणा करिए और दोनों को जोड़ लीजिए, 1/3 और प्लस 1/2, इसको जब हल करिएगा 1/2 कोष्टक में, जब इसको हल करिएगा तो इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, ऊपर मिलेगा 5 और नीचे मिलेगा 6 मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और जब इसको हल करिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 2 6 हो जाएगा 12। तो ये हो गया, अब हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट था हमारा ये बीच में है, 1/3 क्या है, 1/3, इससे बड़ा हमारा हो गया 5/12, और सबसे बड़ा था हमारा कितना, 1/2। अब आगे करिएगा, लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा, अब इस तरह से आपको हल करना है, पहला इस तरह से करिए, अब किन्हीं इसके और इसके बीच में, किसी के बीच में एक और संख्या निकाल लीजिए, एक संख्या हमको पता चल गया, इस तरह से अभी दो संख्या और ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे 1/3 और 1/5 के बीच, परिमेय संख्या, बराबर। बस इन दोनों के बीच निकालना है, तो वही काम करिए, 1/2 से गुणा कराइए, इसका मतलब होता हम 2 से भाग कर रहे हैं, या फिर 1/2 बाहर लिख दीजिए, 1/2 से गुणा कराइए और नीचे 1/3 कोष्टक में प्लस 5/12, जब इसको हल करिएगा तो 1/2 और कोष्टक में इसका एलसीएम होगा 12, कितना होगा 12, 3 चौका 12 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा बाबू 12। अब इसको जब हल करिएगा तो आएगा 9 एक कम 9, अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आपको अतः पॉइंट लिखना पड़ेगा, अतः अब ये देखिए, सबसे बड़ा हमारा 1/3 था, अब 1/3 और 5/12 के बीच में क्या आ गया, 9/24, ये हो जाएगा 9/24, अब उसके बाद क्या था हमारा 5/12, और सबसे बड़ा था हमारा 1/2। अभी हमने दो संख्या निकाला, तो एक संख्या और निकलेगा, अब किसी के बीच में, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, ठीक है। अब आगे करिएगा, किसके बीच में निकालेंगे, 5/12 और 1/2 के बीच में,
तो 5/12 और 1/2 के बीच में क्या होगा, 1/2 कोष्टक में 5/12 और प्लस 1/2, जब इसको हल करिएगा 1/2 और कोष्टक में एलसीएम हो जाएगा 12 और 2 × 6 = 12 होता है 6 और 5 = 11 हो जाएगा 11/12। और जब इसको हल करिएगा इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर तो हो जाएगा 11/24, कितना हो जाएगा 11/24। अतः हमें क्या मिल गया लास्ट में, अतः सबसे पहले देखिए ये इन दोनों के बीच निकला है 1/3, इससे बड़ा हो गया हमारा 9/24, और इससे बड़ा हो गया 5/12, और इन दोनों के बीच में वो संख्या मिला है इससे बड़ा भी हो गया 11/24, और सबसे बड़ा था हमारा 1/2। इसको थोड़ा इस तरह से राउंड कर दीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट में सबसे ये हो गया और फाइनल आंसर हो गया। आज जो तीन मान हमने निकाला है, 1 मान 2 मान और 3 मान, यही वो तीन संख्या है जो परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में सबसे लास्ट में आप लिखिएगा। अतः 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर 5/12, 9/24 और 11/24, उसको चारों तरफ से घेर दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हम आशा करते हैं आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया आप अच्छी तरह से उसको हल करेंगे, कंसेप्ट की तरह हल करेंगे, और ताकि इस तरह से क्वेश्चन अगर आप कहीं भी मिलते हैं आप तुरंत उसको हल कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, लगा लीजिए, अपने मन से हल करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।